अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसान दानिश। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि नेम सर्वर्स क्या होते हैं और हम अपने होस्टिंग के नेम सर्वर्स को डोमेन के साथ अटैच किस तरह से करते हैं या डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट किस तरह से करते हैं और कब इसको करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप डोमेन और होस्टिंग एक ही प्रोवाइडर से बाय कर रहे हैं, राइट, जैसे नेमचीप से ही आपने डोमेन ले ली, नेमचीप से ही आपने होस्टिंग ले ली, तब तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, आपका डोमेन और होस्टिंग आपस में ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। अगर आपने डोमेन ले ली गोडैडी से और होस्टिंग ले ली नेमचीप से, तो ऑब्वियसली बात है डोमेन और होस्टिंग को आपको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब उस कनेक्ट करने के लिए क्या चीज़ होती है, उस कनेक्ट करने के लिए हमारे पास नेम सर्वर्स होते हैं, राइट। नेम सर्वर्स हमेशा जो है वो होस्टिंग से होते हैं, राइट। जो होस्टिंग के नेम सर्वर्स होते हैं वो डोमेन के अंदर हमें ऐड करने होते हैं और फिर डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। बट ये प्रोसेस हमें उस केस में करना है जब हमारा डोमेन का प्रोवाइडर और हो, होस्टिंग का प्रोवाइडर और हो, राइट। तो नेम सर्वर्स बेसिकली कुछ कोड्स होते हैं जो होस्टिंग के होते हैं और वो हमें डोमेन के अंदर ऐड करने होते हैं। तो इसको कहते हैं हम नेम सर्वर पॉइंटिंग या एनएस पॉइंटिंग, ठीक है, या डोमेन कनेक्शन विद होस्टिंग। ये सारे टर्म्स एक ही चीज़ हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आप अगर करना चाहो तो किस तरह से होगा और क्या क्या ऑप्शंस को आपको किस तरह से देखना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं कि ये एक्चुअल में किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम। देखें, हमने .com डोमेन ले ली, बाय कर ली थी। यहाँ पे देखें, इस सर्कल के अंदर अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डोमेन्स के अंदर और माय डोमेन्स के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास वो डोमेन अवेलेबल है जो मैंने बाय की थी, और यहाँ पे ये मेरे पास सी पैनल है, ओके। अब मैंने ये होस्टिंग है और ये वाली हमारे पास डोमेन। ऑल्दो हमने डोमेन और होस्टिंग ब्लू होस्ट से ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। ये वाली जो डोमेन है वो ऑलरेडी ब्लू होस्ट के होस्टिंग के साथ कनेक्ट है, जो कि इसी अकाउंट के अंदर हमारी होस्टिंग भी अवेलेबल है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बाय की थी। लेकिन मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए इस डोमेन को आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने अगर कनेक्ट करना है किसी और होस्टिंग के साथ तो किस तरह से करेंगे। लेट्स से ये मेरे पास डोमेन है और यहाँ पे हमारे पास होस्टिंग है जो कि सेकंड होस्टिंग है जो किसी और प्रोवाइडर से है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा बिल्कुल नीचे की तरफ और यहाँ पे देखें ऑप्शन है मेरे पास एड ऑन डोमेन्स, ओके, एड ऑन डोमेन्स। और यहाँ पे देखें, नोट यू मस्ट सेट योर डोमेन नेम सर्वर्स टू द फॉलोइंग बिफोर एडिंग द डोमेन टू द सिस्टम। अब मुझे इस होस्टिंग के अंदर अपनी डोमेन ऐड करनी है, बट यहाँ पे उन्होंने मुझे नोट दिया है कि ये नेम सर्वर्स हैं, इनको आपने ऐड करना है अपने डोमेन के अंदर। तो कहाँ पे ऐड करेंगे हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे मैनेज पे। ये इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अगर कोई भी प्रोवाइडर है उसके में ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ होगा DNS या DNS मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखें, अभी करंटली जो मेरे नेम सर्वर्स हैं वो ब्लू होस्ट के साथ ऑलरेडी पॉइंटेड है, राइट। तो मैं इसको अगर एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देखें ब्लू होस्ट, मैंने तो ब्लू होस्ट के साथ ही ली थी, लेकिन अब मैं इसको किसी और होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कस्टम पे क्लिक करूँगा और लेट्स से मैं इसको कंफर्म करता हूँ। और यहाँ पे देखें मेरे पास नेम सर्वर्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो मुझे यहाँ पे 5 फील्ड्स चाहिए होंगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, फर्स्ट फील्ड के अंदर डालता हूँ, सेकेंड इसी तरह ऐड, सिमिलरली ये सारे मुझे यहां पे ऐड करने पड़ेंगे, ओके। तो मैंने ये 5 नेम सर्वर्स ऐड कर दिए और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जो मेरी डोमेन है वो इस होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी और फिर मैं यहाँ पे अपना जो ये वाला डोमेन है इसको ऐड करूँगा और इस होस्टिंग के साथ ये मेरी डोमेन अटैच हो जाएगी और इसके ऊपर मैं वर्डप्रेस यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा। लेकिन राइट नाउ मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, जैसे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता अभी इसको उसके साथ कनेक्ट करना, जिसमें आपको समझाने के लिए ये दिखा रहा था। लेकिन अभी जैसे मैंने वहाँ पे नेम सर्वर्स पॉइंट नहीं किया और मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपनी डोमेन ऐड करना चाहूँ, तो ये मुझे एरर दे देगा कि आपका डोमेन हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं है, हमारे DNS आपके डोमेन के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो उनको पहले आप पॉइंट करें। यहाँ पे देखिए इसने पूरा डिटेल में वही इशू दिया जो मैंने बता रहा था। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि नेम सर्वर्स क्या होते हैं और कब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से। ऑलवेज रिमेंबर, जो नेम सर्वर्स होते हैं वो होस्टिंग के होते हैं
और आपको वो पॉइंट करने होते हैं अपनी डोमेन के अंदर, राइट। और उसके बाद फिर उस डोमेन को अपनी होस्टिंग के अंदर एड ऑन डोमेन करना होता है। दैट्स हाउ इट इज़। मज़ीद आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।